पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शनिवार को प्रेस क्लब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज के पदाधिकारियों द्वारा 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 25 तारीख को मोटरसाइकिल रैली होगी। साथ ही 26 तारीख को सुबह MLC स्कूल के पास देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर पालकी के रूप में शोभा यात्रा में निकाली जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में समाज के उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे सभी पदाधिकारियों ने आप लोगों को अवगत कराया है, इस बार सर्व यादव समाज की तरफ से, जिसमें झेरिया, कोसरिया, ठेठवार तीनों वर्ग शामिल है, 3 दिवसीय जन्माष्टमी उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले दिन 25 तारीख को आपका मोटरसाइकिल रैली होगी, जिसमें समाज के महिला और पुरुष वर्ग सभी शामिल रहेंगे। हम लोगों ने उम्मीद किया है अपनी मेहनत के हिसाब से कि वो 500 की संख्या होगी, पहली बार ये कर रहे हैं। दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह जो साढ़ादेव है MLV स्कूल के पास, वहाँ से पूजा अर्चना प्रारंभ करके सेकंड हाफ जो है वो एक शोभा यात्रा और पालकी यात्रा के रूप में इस यात्रा को निकालेंगे, जिसमें पालकी भी रहेगी, झांकियाँ भी रहेगी और ये शोभा यात्रा नगर भर में भ्रमण करेगी। और तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का है,